बाद ना पैन करना ठीक है रो लेफ्ट कर थोड़ा नहीं राजू और पैन कर राइट अगर शौर्य को कैंसर नहीं था तो उसे अटैक क्यों आ रहा था बीमार क्यों था वो मैं बताता हूँ शौर्य को सिंपल बुखार था सासू मम्मा और हम उसका कैंसर का इलाज करवा रहे हैं डॉली थोड़ा स्टे देना मैं बताता हूँ बाद अगर शौर्य को कैंसर नहीं था तो उसे इस तरह के अटैक क्यों हो रहे थे बीमार क्यों था वो मैं बताता हूँ क्योंकि मेरे शौर्य को सिंपल बुखार था सासू मम्मा और हम उसका कैंसर का इलाज करवा रहे थे मतलब ये सासू मम्मा कि मैं अभी भी उसी हॉस्पिटल से ए दादा हाथ मत हिलाइए पीछे यार केक तो रुक गया डॉली और उसे कैंसर का इलाज करवा रहे थे एक्शन मतलब ये सासू मम्मा कि मैं अभी भी उसी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ यहाँ से शौर्य का बोलो सॉरी कि मैं अभी भी उसी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ जहाँ से शौर्य की रिपोर्ट्स आई थी और भाई का डॉक्टर हैवी मेडिसिन का नतीजा था मेरे बच्चा सम्राट और क्या कहा डॉक्टर पहले उन्होंने शौर्य को कैंसर कैसे बता दिया अरे पूछो मत यार पूछो मत ऐसी झाड़ लगा के आ रहा हूँ ना पूरे हॉस्पिटल को खटिया खड़ी कर दी मैंने हॉस्पिटल का फिर पता चला सम्राट और क्या कहा डॉक्टर ने पहले उन्होंने शौर्य को कैंसर कैसे बता दिया अरे पूछो मत यार पूछो मत ऐसी झाड़ लगा के आ रहा हूँ मैं पूरी खटिया खड़ी कर दी पूरे हॉस्पिटल में फिर पता चला एक्चुअली कि जो रिपोर्ट बन के आई थी लैब से वही गलत थी अभी सब ठीक है अभी माय सन इज फाइन शौर्य इज फाइन एवरीथिंग इज फाइन मुझे और कुछ नहीं चाहिए शान ने बोला पर ऐसा कैसे हो सकता है राइट ईशान बोल रहा है राइट यू राइट क्या बोल रहा है राइट राइट मेरे को यहाँ राइट बोल रहा है ना हाँ आपकी बात पे राइट बोल रहा है अभी अभी एवरीथिंग इज अंडर रोलिंग एक्शन वापस बैठ गया ना हाँ एक्शन पापा ने बोला राइट राइट और ये एक लुक गया आपका उर्मी के तरफ वो देख रही है बैंड लगा के आए दोनों आउटर चाबी और वहां से एक लुक देना इनके तरफ दामिनी के तरफ वो गुस्से से देख रही है हाँ देख रही दामिनी गुस्से से देख रही है मुझे पता नहीं वो देख रही है और रोल रोले तो आप है वो जिनकी वजह से हमारे बच्चे को इतना सफर करना पड़ा आपकी ला दे आपकी गलती की वजह से सबकी जिंदगी दबा जाती है Thank you.
What happened? Please. What? तो सबसे पहले सम्राट आप सीन के बारे में बताइए, आप किसी के ऊपर बहुत तड़क झड़क रहे हैं। सीन ऐसा है कि अभी जैसा कि अभी आप देखेंगे कि शौर्य को जो कैंसर का जो एक फेक ड्रामा किया गया था उसको कैंसर नहीं होता है। सम्राट की पूरी चाल होती है कि रिपोर्ट्स बदल जाती हैं, तो जो जो लैब असिस्टेंट होता है जो रिपोर्ट्स बदलता है वो घर पे आ जाता है 50,000 रुपये मांगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। तो सम्राट की करी उसी पे आ जाती है और उसी से वो 50,000 रुपये मांग रहा है। तो दैट्स द सीन। तो सम्राट कहीं ना कहीं अपने बेटे को मतलब पाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। बेटे को पाने के लिए तो नहीं, बेटे को पाने के लिए नहीं। ये किस लिए कर रहे हैं सम्राट ये? ये देखिए इसलिए किया था ताकि उर्मी और ईशान कभी एक ना हो पाएँ, उन दोनों का हनीमून कभी ना हो। तो दैट्स द स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स द थॉट। सम्राट आप हमेशा उर्मी के प्रति गलत रवैया ही अपना रहे हैं, कब तक ये चलता रहेगा? देखिए गलत सम्राट के हिसाब से वो गलत नहीं होता है, लेकिन वैसे गलत है। ये पता नहीं कब तक चलेगा। आई थिंक जब तक ऑडियंस चाहेगी तब तक चलेगा, जब तक वो चाहना बंद कर देगी तब बंद हो जाएगा और सम्राट सुधर जाएगा। और क्या लाइफ में भी आप इसी तरह के हैं जी? नहीं, मैं बिल्कुल वैसा नहीं। मैं अलग हूँ बिल्कुल। सम्राट एक किरदार है जो मैं निभाता हूँ और कोई दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं है सम्राट जैसे किरदार से। बट
हाँ मेरा काम है तो मैं आके अपना किरदार निभाता हूँ और यहीं पर ही बाय बाय करके टाटा बाय बाय करके घर चले जाता हूँ। आपको लगता है कि ये कैरेक्टर जो है पॉजिटिव कैरेक्टर है या नेगेटिव कैरेक्टर है, क्या कहना चाहेंगे? जी ये एक ग्रे कैरेक्टर है, ये बड़ा ही रियल कैरेक्टर है। आप ऐसे लोग बहुत पाएंगे, आप आस पास देखें तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही नेगेटिव हैं, ईविल है और गंदा आदमी है। गंदा तो है ही बट ईविल नहीं है। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम दिखा नहीं पाते हैं, जो हम दिखाते नहीं हैं। लेकिन सम्राट अगर आप शुरू से देखें, शुरू के अगर आप शो जैसा सम्राट जब शो शुरू हुआ था तो ही वॉज़ अ ग्रे कैरेक्टर, ही वॉज़ अ वेरी ग्रे कैरेक्टर। अपनी फैमिली का ध्यान रखता था, अपनी बहन का ध्यान रखता था, जो भी था अपने परिवार का ध्यान रखता था। हाँ सेल्फिश है वो अलग बात है, वो हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हर इंसान की। बट अभी अगर आप देखें तो शो में अभी थोड़ा सा इसको नेगेटिव साइड दे दी गई है और थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, बट ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रे कैरेक्टर। यार ये सीरियल वास्तव में मैसेज क्या दे रहा है सोसाइटी को अभी तक के प्रोस्पेक्टिव में? देखिए मैसेज तो यही था कि उर्मी की कहानी है और उर्मी किस तरह उन प्रॉब्लम से, जो प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आती हैं, उससे जूझती है और कैसे वो लड़ती है। और मैसेज यही है कि देखिए बुराई का हमेशा अंत होता है और सम्राट के साथ भी ऐसे कुछ होगा 100%। कुछ गलत कर रहा है तो उसको हमेशा गलत सिराही मिलता है, गलत जवाब मिलता है, मतलब उसके साथ गलत ही होता है। जब भी वो गलत करता है उसको जवाब मिल जाता है और अभी भी ऐसा ही होगा, जब उसने कुछ गलत किया तो उसका जवाब भी इसे मिल गया है और ऐसा चलता रहेगा। ऑब्वियसली यही मैसेज है हमारा कि और मेरे ख्याल से मैं एक तरह से मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ जहाँ पे मैं ऐसा किरदार निभा के मैं लोगों को ये दर्शाना दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे किरदार होते हैं लोगों को ज़िंदगी में, आम जिंदगी में बहुत सारे होंगे। अगर आप अपने आसपास देखें तो सम्राट जैसे बहुत लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, MCP वाली सोच रखते हैं, जो महिलाओं को कम नीचा समझते हैं। और तो यही मैसेज है कि ऐसे लोग के अगर ऐसे लोग ज़िंदगी में आ जाएं आपके तो आपको क्या करना चाहिए। उर्मी क्या करती है, आई थिंक उर्मी जो करती है वो एक मैसेज है सबके लिए। उर्मी जैसे उन प्रॉब्लम से लड़ती है, कैसे सम्राट से लड़ती है और कैसे आगे बढ़ती है ज़िंदगी में, तो वो एक मैसेज है। लास्ट सवाल आपसे, आजकल ट्रेंड चला आ रहा है कि छोटे पर्दे से लोग बड़े पर्दे पे जा रहे हैं, तो क्या ऐसा मन में कभी आता है कि यार हम भी बड़े पर्दे पे जाएं, फिल्म फेयर जैसा अवार्ड पाएं? क्योंकि टेलीविज़न के जो अवार्ड्स हैं उनकी रिकॉग्निशन बहुत कम है और लड़के बाजी मार रहे हैं टेलीविज़न से, लड़कियां थोड़ी पीछे रह गई। हाँ अफसोस की बात यह है कि टेलीविज़न के अवार्ड्स इतने रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, अफसोस है। बट अवार्ड अवार्ड होता है, अगर मुझे अवार्ड मिला तो मैं बहुत खुश होता हूँ। बट ये हाँ फिल्मों की तरफ मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, बट वो तभी होगा जब मैं कुछ अच्छा, इससे अच्छा कुछ मिले यार, ऐसा ही मिले तब मैं कुछ जाऊंगा, वरना आई एम वेरी हैप्पी विद टेलीविजन। ओके सर, लास्ट अपने फैन से आप कुछ कह दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा हम अपने सारे फैन से जो कि डोली अरमानो की देखते हैं और जो प्यार करते हैं डोली अरमानो की को और सम्राट सिंह राठौड़ को, कि ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। ये बड़ी मोटिवेटिंग चीज़ है, बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है, हम बहुत इंस्पायर होते हैं।